ये क्लास 10 और 12 के लिए आज के जो है लेक्चर जो है थर्ड लेक्चर है। तो आज के लिए सिर्फ कॉमन है, कल से अलग अलग पढ़ा दूंगा। आज जो है कॉमन लेक्चर जो आप लोगों का जो है कंप्लीट है, इसके बाद 10 के लिए अलग जाऊंगा और 12 के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन। ठीक, तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर, हमने डिस्कस किया था। तो आज हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर, हम डिस्कस करेंगे। ये 10th वालों के लिए, बल्कि 12th वालों के लिए भी है, लेकिन 12th वालों का इस पे थोड़ा सा डीप जाना है। तो आज के लिए कॉमन लेक्चर जो है आज का लास्ट है, इसके बाद कल से अलग अलग होगा लेक्चर। ठीक, बोले स्फेरिकल मिरर क्या चीज होता है। जैसे कि आपका एक सिफेर है, गिलास का एक सिफेर है, सिफोर सिफेर मीन्स आप लोगों का एक गिलास का बॉल है। ठीक है ना, टू डायमेंशन में तो मैं एक सर्कल ही बना सकता हूँ, लेकिन थ्री डायमेंशन में अगर आप देखना चाहोगे तो ये एक बॉल है। अब इस बॉल का मैं एक जो है पार्ट ले लूंगा। ठीक है, यहां से मैं एक बॉल का पार्ट ले लूंगा या इस गिलास के सिफेर का मैं एक पार्ट ले लूंगा। तो इस पार्ट को मैं क्या बना दूंगा, इस पार्ट को जो है मैं मिरर बना दूंगा। ठीक है ना, तो ये होगा, या तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, इस पार्ट को ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, ये वाला। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, यहां पर देखेंगे तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को आप लोग डिफाइन करेंगे इस तरह से, दोस मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आप लोगों का क्या, एक पार्ट जो है किसके पार्ट है, होलो सिफेर ऑफ गिलास का पार्ट। ठीक है, तो आप लोग स्फेरिकल मिरर को इस तरह से डिस्कस करेंगे, दोस मिरर, ये आपका एक मिरर है ना, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इज ए पार्ट ऑफ, इज ए पार्ट ऑफ होलो, होलो मीन्स खोखला। ठीक है, होलो सिफेर ऑफ गिलास। ठीक है, तो यहां पर स्फेरिकल मिरर को आप लोग क्या कह सकता है, दोज मिरर जिसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किससे बना होगा, एक जो है सिफेर के पार्ट से बना होगा या होलो सिफेर ऑफ गिलास के पार्ट से बना होगा, उस मिरर को आप लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। अब डिपेंड करेगा स्फेरिकल मिरर जो है अंदरूनी साइड से अगर रिफ्लेक्शन करेगा तो आप लोगों का एक नाम देंगे इसको, आप लोग नाम देंगे कनकियो। अगर बाहरी साइड से आप लोगों का जो है रिफ्लेक्शन होगा तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद आएगा आप लोगों का टाइप्स। ठीक है ना, तो स्फेरिकल मिरर में आपका आएगा एक टाइप्स, टाइप्स में आएगा आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा कनकियो मिरर भी कह सकता है, या आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कनकियो स्फेरिकल मिरर। जैसे कि आप लोगों का जो है एक स्पून, स्पून के अंदरूनी हिस्से में जो आप लोगों का रिफ्लेक्शन होता है वो आप लोगों का क्या होता है, कनकियो। ठीक है, या आप लोग कनकियो स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं या सिंपली आप लोग कह सकता है कनकियो मिरर। तो ये आप लोगों का स्फेरिकल मिरर है, दोस स्फेरिकल मिरर, ये आप लोगों का एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है। ठीक है ना, फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन, ठीक है, टेक्स प्लेस फ्रॉम कर्विट इनवर्ड, लिखो आप लोग इनवर्ड सरफेस। ठीक है, वो मिरर जहां पर आप लोगों का जो है रिफ्लेक्शन कहां से होगा, अंदरूनी हिस्से से होगा। जैसे कि आप लोग अगर डायग्राम बनाना चाहोगे, ये आप लोग का, ठीक है ना, ये आप लोगों का बाहर वाला हिस्सा है, तो इसको मैं कलर कर दूंगा, ये आपका ये एक्सिस है। तो यहां पर देखो आपका ये जो है रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, अंदरूनी हिस्से से हो रहा है रिफ्लेक्शन। तो वो स्फेरिकल मिरर जिसमें आप लोगों का रिफ्लेक्शन कहां से होगा, अंदरूनी हिस्से से होगा। यहां पर लिखा है कर्व इट इनवर्ड, मींस आप लोगों का ये वाला कर्व
लेकिन कौन सा अंदरूनी हिस्सा जो होगा, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, कनकियो स्फेरिकल मिरर, या सिंपली आप लोग कहेंगे कनकियो मिरर। ठीक है, ये आप लोगों का पार्ट फर्स्ट है। तो दो टाइप्स का होगा, तो हम सेकंड देखते हैं इसमें, कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर का हो, या आप इसमें कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कह सकता है, या आप लोग सिंपली लिखो इसको कन्वेक्स मिरर। ये भी आप लोगों का स्फेरिकल मिरर है, ये भी दोस स्फेरिकल मिरर। फ्रॉम विच लिखो या इन विच लिखो, ठीक है, फ्रॉम विच या इन विच लिख सकते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, फ्रॉम विच मत लिखो यहाँ पर, इन विच लिखो, ये सही रहेगा आप लोगों का, इन विच। तो यहाँ पर दो फ्रॉम आएगा, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम विच नहीं लिख लेना, इन विच लिख लेंगे, इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अब इसके बाद लिखो फ्रॉम बल्जिंग, बल्जिंग में सुजा हुआ बाहर वाला, ठीक है ना, बल्जिंग जैसे कि आप लोगों का ये वाला साइड से सुजा हुआ साइड से, लेकिन यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा आउटवर्ड सरफेस दिख सकता हूँ मुझे, जो है बाहर सुजा हुआ जो है सरफेस है, उसमें से जब रिफ्लेक्शन होगा उसको आप लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे, ये वाला आपका आ जाएगा कनकीव। अब यहां पर देखो ये वाला आ जाएगा आपका कन्वेक्स, ठीक है, तो ये बनेगा आपका कन्वेक्स। ठीक है ना, जो आप लोगों का बाहरी साइड से रिफ्लेक्शन होगा इसको आप लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, इसको आप लोग नाम देंगे कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो ये चीज है आप लोगों का, दो टाइप, दो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मीन्स वो मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन जो है, या आप लोगों का मिरर जो है आप लोगों का एक स्फेयर के पार्ट से बनता है। तो आप लोगों का जो है इसमें दो टाइप्स हो गए, कनकियो, जब आप लोगों का इनवर्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो कनकियो, आउटवर्ड सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग खुद लिख लेना, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या चीज होता है, तो आप लोगों का पॉइंट्स, या किसी किसी बुक में लिखा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, क्या क्या पॉइंट्स होगा स्फेरिकल मिरर के रिलेट। ठीक है, पहला देखो आप, पहला आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, VATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आप लोग डिनोट करेंगे कैपिटल सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोग डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। तो पहले आप लोग एक स्फीयर बना लो, ये आप लोगों का स्फीयर है, थ्री डायमेंशन में आपके बॉल है, लेकिन ये बॉल आपका क्या है, एक ग्लास का बॉल बना, तो इसका एक सेंटर होगा, तो ये आप लोगों का सेंटर, तो स्फीयर का जो सेंटर होगा इसको आप लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन मिरर क्या होना चाहिए, उस स्फीयर का एक पार्ट होना चाहिए, तो आप लोग लिखेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर From which mirror is a part, ठीक है ना, उस स्फीयर का जो है सेंटर है जहां से आप लोगों ने इस मिरर को बनाया, या आप लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, उस जो है स्फीयर का सेंटर है जहां पर आप लोगों का मिरर जो है उस स्फीयर का क्या है, एक पार्ट है, तो आप लोग ऐसे लिख सकता है ना, द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर is a part of that sphere. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब जो है स्फीयर का सेंटर है जहां से मिरर जो है उस सेंटर का क्या है, एक पार्ट है ना, उस स्फीयर का एक पार्ट है। ठीक, तो इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर।